जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी ने हमारे जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया है। आज के इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने भी शिक्षा के संबंध में कुछ नियम जारी किए हैं, जिनके मुताबिक कक्षा 9वीं और 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। वे बदलाव बच्चों के उन्नत भविष्य और पढ़ाई के अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए किया गया है। आइए हम आपको बताते हैं। इससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि CBSE में नहीं जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, आपको क्लास 9 के बारे में जानकारी मिल गई, किस तरह की पाठ्यक्रम में चेंजेस हुए हैं। अब आप देखिए कक्षा 10 यानी कि कक्षा 10 के कोर्स और कोर्स ए के लिए। क्षितिज भाग 2 काव्य खंड, इसमें आपके देव, जयशंकर प्रसाद जी के आत्मकथ्य, नागार्जुन जी के यह दंतुरित मुस्कान और फसल, गिरजा कुमार माथुर जी का छाया मत छूना, मंगलेश डबराल जी का संगतकार, और गद्य खंड में मनु भंडारी जी का एक कहानी यह भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतीन्द्र मिश्र जी का नौबत खाने में इबादत, भदंत आनंद कौशल्यायन जी का संस्कृति, ये सब हटा दिए गए हैं। कृतिका भाग 2 में एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ, ये दोनों भी हटा दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश और काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसमें से अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश आपके 5-5 अंक के होंगे, जैसा कि आप एग्जाम में लिखते आए हैं। तो कुल भार इसका हो गया 10-10। व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रश्न, ये एक एक नंबर के 16 होंगे। इस तरह आप देखिए कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 अंक, ये 4 अंक हो गए। वाच्य 4 अंक, पद परिचय 4 अंक, रस 4 अंक, टोटल आपके हो गए 16। कुल कितने हो गए? 16 अंक। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, यहाँ क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपके कुल 5 अंक हो जाएंगे। क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्तियों का आकलन करने हेतु बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ये हो गए आपके 2 अंक। काव्य खंड, क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपके हो गए 5 अंक। और कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के। अब यहाँ देखिए वर्णनात्मक प्रश्न, अब यहाँ आपके आएंगे जिसके आंसर आपको काफी बड़ी लिखनी पड़ेगी, वर्णन करना पड़ेगा। तो गद्य खंड से आएंगे आपको क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये आपके होंगे 4 प्रश्न 2-2 अंक, कुल 8। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 2-2 अंक 3 प्रश्न, हो गए आपके 6। पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 2, कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2×3 यानी कि आपके 3 मार्क्स के 2 प्रश्न होंगे, हो गए 6 और ये आपके कुल हो गए 20। लेखन में विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन, 5×1 यानी कि आपके 5 अंक आ जाएंगे। और औपचारिक अनौपचारिक पत्र आप लिखते आए हैं, ये भी आपके 5 अंक हो जाएंगे। आपको विज्ञापन लेखन भी मिलेगा, वो भी 5 अंक होंगे, और संदेश लेखन भी आपके 5 अंक होंगे, कुल आपके हो गए 20 अंक। श्रवण और वाचन में आपके 10 होंगे और परियोजना कार्य में 10 होंगे,
कुल आपके हो गए 100 अंक। अब कक्षा 10वीं ब के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए अलंकार, कौन से पाठ हटा दिए गए हैं? जो आपके व्याकरण खंड में आप अलंकार पढ़ते थे, इस बार आपका अतिरिक्त बोझ कम कर दिया गया है और अलंकार हटा दिया गया है। बिहारी के दोहे, महादेवी वर्मा जी की मधुर मधुर मेरे दीपक जल, वीरेन डंगमाल जी का तोप, रविंद्रनाथ ठाकुर जी का आत्मत्राण, ये हटा दिए गए हैं। गद्य खंड में से सीताराम सेकसरिया जी की डायरी का एक पन्ना, प्रहलाद अग्रवाल जी का तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, अंतोन चेखव जी का गिरगिट, रविंद्र केलेकर जी का पतझर में टूटी पत्तियां और गिन्नी का सोना, ये पाठ हटा दिए गए हैं। अब इनके पाठ्यक्रम विनिर्देशन कैसे होंगे, आइए हम देखते हैं। 4 अपठित गद्यांशों में से कोई 2 गद्यांश करने होंगे, वो होंगे आपके 10 अंक। पदबंध, 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर, एक एक अंक 4 प्रश्न, ये होंगे आपके 4 अंक। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, ये आपके हो जाएंगे 4 अंक। समास मैंने आपको दिया हुआ है, मेरे चैनल में आपको समास मिल जाएगा, आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये हो जाएंगे आपके 4 अंक। मुहावरे केवल 4 प्रश्न और सभी अनिवार्य, इसमें आपको कोई विकल्प नहीं मिलेगा, ये हो गए आपके 4 अंक। पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2, ये कुल आपके आएंगे 14 अंक के। यहाँ देखिए काव्यखंड, पठित पद्यांश पर 4 बहुविकल्पी प्रश्न, एक एक अंक के 4 प्रश्न आएंगे 4। और गद्य खंड से 2 पठित गद्यांशों पर 5-5 बहुविकल्पी प्रश्न, 2 गद्यांश 1 अंक और 5 प्रश्न, और इस तरह के आपके हो गए 10 और कुल हो गए आपके 14 अंक। अब पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से देखिए हम कितने अंक लेंगे। स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 25 से 30 शब्दों वाले 3 में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक 2 प्रश्न, इस तरह आपके हो जाएंगे 4। स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं में अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 60-70 शब्दों वाला 4 अंक 1 प्रश्न, कुल कितने हो गए 4 अंक। पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2, ये कुल आएंगे आपके 6 अंक। पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के निर्धारित पाठों में से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर 40 से 50 शब्दों में देना होगा, 3 अंक 2 प्रश्न यानी कि 6। संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद यानी कि 6 अंक का 1 प्रश्न, ये आपके हो गए 6 अंक। और औपचारिक विषय से संबंधित पत्र, ये हमेशा से हम लिखते आए हैं, ये हो गए आपके 5 अंक। व्यावहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 30 से 40 शब्दों में सूचना लेखन, 5 अंक, ये भी हम हमेशा से लिखते आए हैं 5 अंक के लिए। विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन, विज्ञापन भी आपका 5 अंक का ही है। लघु कथा लेखन, दिए गए प्रस्थान बिंदु के आधार पर 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लेखन, 5 अंक 1 प्रश्न विकल्प सहित, ये भी आपके हो गए 5 अंक और कुल हो गए आपके 26 अंक। और यहाँ कुल वजन भार हो गया 80, उसमें आपका श्रवण तथा वाचन 10 अंक का, परियोजना 10 अंक का, और ये हो गए आपके 100 अंक। तो आप इस तरह इसे देखकर अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कीजिए।